आराम से चर ले रही है, सेट है, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं। नजदीक का बकरी है तो बर बीमारी भी अभी तक कुछ ऐसा दिक्कत भी नहीं आया है। अब जाके ठीक है, नहीं तो फिर आधा झुंड उधर रहेगा, कुत्ता उत्ता धर लेगा, फिर नुकसान हो जाएगा आते ही। मान के चले तो 20 के आसपास हमने खरीदा है दोस्तों बकरी, ब्लैक बंगाल भी है, बर्बरी भी है, ब्रीडर भी है। सबको निकालते हैं दोस्तों और आपको हम दिखलाते हैं कैसे एक झुंड में सबको चराने लेके चलेंगे। तो आप चैनल पे पूरा बने रहे, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो अभी दलिया डाल दिया, देख सकते हो इसमें से भाप निकल रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी हम खोला के लाए हैं और डाले हैं। इधर दलिया पीना स्टार्ट कर दी है बकरी, देखिए वो भी बड़ा वाला नया वाला ब्रीडर भी दोस्तों पी रहा है। और हेलो दोस्तों, ये वाला न्यू वीडियो शुरुआत हो रहा है। पिछला वाला आपने वीडियो देखा कि हमने कितना बर्बरी लाया, कहां से लाया, कैसे लाया, टोटल वीडियो हमने डाल रखा है चैनल पे दोस्तों, तो वो आप पहले जाकर देख ले, फिर आप ये वाला वीडियो स्टार्ट करें दोस्तों। आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको समझ में आएगा कि एक बर्बरी हम खरीद के लाए हैं कितना में पड़ा है, कितना बकरी लाए हैं हम टोटल कल खरीद के। बहुत सारी बकरी लाए हैं दोस्तों खरीद, मान के चले तो 20 के आसपास हमने खरीदा है दोस्तों बकरी, ब्लैक बंगाल भी है, बर्बरी भी है, ब्रीडर भी है। और नेक्स्ट वाला वीडियो, पहले वाला वीडियो जाके देख लें दोस्तों, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक, फिर चैनल पे जाके देख सकते हैं। अभी दोस्तों काम है सब बकरी को चराई पे लेके चलना, क्योंकि 9:30 से ऊपर हो चुका है टाइम दोस्तों। मेरी पुरानी वाली जितनी भी बकरी है सब चिल्ला रही है, इनको सबको खोलना है। एक ये ब्रीडर है, एक वो उधर ब्रीडर बांधा हुआ, दो ब्रीडर मेरे पास हो चुका है। इधर बर्बरी है, उधर ब्लैक बंगाल है। सबको निकालते हैं दोस्तों और आपको हम दिखलाते हैं कैसे एक झुंड में सबको चराने लेके चलेंगे। तो आप चैनल पे पूरा बने रहे, वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कंटिन्यू देखें वीडियो को दोस्तों। बर्बरी वाला हमने गेट खोल दिया है और इधर जो बाहर निकलने वाला गेट है इसको भी हमने खोल दिया है, ताकि जब ये बकरी निकलेगी उसके पीछे पीछे टोटल बर्बरी जो भी है निकल जाएगी, हम आपको दिखलाएंगे। और बाकी ये वाला बकरी को हम निकालते हैं दोस्तों यहां से। दोस्तों अभी सारी बकरी को निकाल दिए हैं, नई वाली और पुरानी बकरी को निकाल दिया दोस्तों। बर्बरी भी आपको दिख रहा होगा, सबको सेट करेंगे दोस्तों चराई पे। आप बस मेरे चैनल पे आप बने रहें। फार्म पे कुछ काम था तो काम खत्म करके आ रहे हैं दोस्तों, और आधी बकरी दोस्तों यहाँ पे है इधर, और बाकी बकरी दोस्तों आगे चली गई है वहां पे है, उनको उधर से लेके आएंगे दोस्तों, एक झुंड में रखेंगे, क्योंकि अभी सब नई बकरी है, कौन किधर भागेगा कुछ पता नहीं चलेगा दोस्तों। इधर तो नई वाली बकरी दोस्तों कुछ उधर भी गई है उस झुंड में, और कुछ इस झुंड में भी है। अभी चलते हैं दोस्तों वहां पे और उन बकरी को लाते हैं इस झुंड में। इधर ही देखें, ये सब बकरी इधर भाग आई थी दोस्तों, इधर है ब्रीडर है, कुछ बर्बरी भी इधर आ गई है। अब इनको हालत खराब कर दोस्तों, क्योंकि वहां पे पुरानी बकरी है, तो इनको लेके चलेंगे दोस्तों उधर ही। सबको क्योंकि एक झुंड में रखना पड़ेगा दोस्तों, अब जाके ठीक है, नहीं तो फिर आधा झुंड उधर रहेगा, कुत्ता उत्ता धर लेगा, फिर नुकसान हो जाएगा आते ही। दोस्तों जो नया वाला ब्रीडर है ना, बहुत एग्रेसिव है दोस्तों, क्या कहें, इतना अग्रेसिव हम पहली बार देख रहे हैं दोस्तों। क्योंकि मेरे पास एक दो ब्रीडर है फुल अग्रेसिव है, जो मतलब अग्रेसिव चाहिए ब्रीडर को वो है उसमें दोस्तों, वो ब्रीडर में दिल खुश हो गया दोस्तों एकदम, जो कहा जाता है जो ब्रीडर है वो। ये देखिए ये वाला, अभी रानी बकरी वहां पे है, अब इनको भी लेके चलेंगे वहीं पे। हट 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 हट। और दोस्तों अभी एक झुंड में मिल चुकी है बकरी, देखें उधर वाली पहली वाली झुंड थी, और ये अभी हाक के ला रहे हैं पीछे से, ये भी झुंड अभी एक झुंड में हो गई दोस्तों। अब इनको एक झुंड में कंटिन्यू रखेंगे, अच्छा रहेगा दोस्तों मेरे लिए, क्योंकि हम अकेले हैं, डॉग भी नहीं ला रहे हैं दोस्तों, नहीं तो डॉग रहता तो कोई दिक्कत नहीं, तो संभाल लेता है, हैंडल कर लेता है, लेकिन हम अकेले हैं तो इसलिए अभी एक झुंड में रखना पड़ेगा कुछ दिनों तक, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सब बकरी एक ही झुंड में चलेगी साथ में ही, जब मिल जाएगी घुल मिल जाएगी दोस्तों। अभी सारी बकरी नदी साइड अभी वहां पे चल रही थी, और वहां से अभी दोस्तों ऊपर आ गई है। इधर दोस्तों दिक्कत क्या है, ये सब बकरी प्रेग्नेंट है, और इधर आम का पत्ता गिरा हुआ है, सूखा सूखा आपको दिख रहा होगा, अगर ज्यादा खा ली ना तो 100% सब बच्चा फेंक देगी। दोस्तों इनको नदी साइड ही रखेंगे, और कुछ उधर ब्रीडर है, कुछ उधर घुसा हुआ है आगे बढ़ा हुआ, कुछ उधर भी है और कुछ नदी साइड भी है बकरी दोस्तों, को थोड़ा आम से दूर ही रखेंगे, आम का पत्ता से दूर ही रखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी ऊपर साइड से बकरी को निकाल दिए हैं, इधर छोड़ दिए हैं, कुछ इधर चल रहा है, कुछ इधर आपको दिख रहा होगा, कुछ इधर इधर भी है आम का पत्ता है दोस्तों, लेकिन इधर कम है, बहुत ज्यादा है दोस्तों। उधर आम का पेड़ देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा पेड़ है, इधर एक है तो इसमें से उतना पत्ता गिरता नहीं है। और अभी इनको यहीं पे चरने देते हैं, बाकी कुछ नदी साइड भी वहाँ पे भी चल रही है। तो दोस्तों जितनी पुरानी वाली बकरी थी हमारी, ये देखे बहुत दूर आ गया है दोस्तों फार्म पे, उधर ही बकरी है नई वाली जितनी है, और एक पुरानी वाली बकरी दोस्तों इसमें भी कुछ उधर ही है, कुछ इधर आ गई है दोस्तों। अभी डॉग को लेकर आना पड़ा, क्योंकि मेरे से तो जाएंगे नहीं दोस्तों इतना दूर, इससे जल्दी जल्दी हका के लेके चलेंगे दोस्तों उधर ही। भाई उधर नई वाली बकरी है दोस्तों, अगर एक दो इधर उधर भाग गया तो फिर दिक्कत। और दोस्तों अभी फिर से बकरी खेत साइड आ गई, देख सकते हैं अभी तो फसल नहीं लगा है दोस्तों खेत में, इसमें आलू लगने वाला है, तो कुछ टाइम लेट से अभी लगेगा, अभी नहीं लगा है। और बाकी बकरी दोस्तों नई वाली फार्म साइड ही है, पुरानी वाली बकरी दोस्तों बहुत बदमाशी कर रही है, मतलब भाई उधर देख रहे हैं तो इधर भाग जाती है, इधर देखते हैं तो उन लोग भाग जाते। दोस्तों अभी फिर से इनको लेके चल रहे हैं ऊपर साइड ही दोस्तों, बगीचा में ही करेंगे, उधर ही बाकी बकरी है दोस्तों, बाकी बकरी उस साइड चले गई है फार्म के उस साइड, अभी इनको भी लेके चलेंगे उधर ही दोस्तों, मिलाएंगे एक झुंड में। लोग बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है दोस्तों। दोस्तों 12 बज चुका है, कुछ बकरी दोस्तों फार्म साइड यहाँ पे है, कुछ बकरी उधर है, और बाकी बकरी दोस्तों उस साइड वहां पे चल रही है। और हमने फार्म पे आ गए दोस्तों, और बकरी के लिए पानी लगाना है, दलिया लगाना है, ये फीडर लेकर आए थे दोस्तों उसी फार्म पे, उनके यहाँ फीडर भी ऐसा वाला बहुत सारा बचा हुआ है। जिन भाइयों को चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा, वो भी हम दिलवा देंगे, हमको तो नहीं चाहिए दोस्तों। हमने लेकर आया था, एक ये है एक इधर है। और दोस्तों अभी इसमें 20 लीटर हमने पानी डाला है,
उसमें 20 लीटर और उस डब्बा, और उस डब्बा से मिला के 20 लीटर पानी है टोटल, इतना डाला है क्योंकि 50 बकरी हो चुके हैं दोस्तों मेरे पे, इतना तो पी ही जाएगी। और दलिया भी 5 लीटर है, तो अभी दलिया डाल दिया, देख सकते हो इसमें से भाप निकल रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी दम खोला के लाए हैं और डाले हैं। पानी भी इससे गर्म हो जाएगा दोस्तों, जो पानी नॉर्मल वाला है वो भी नॉर्मल से मतलब हाई हो जाएगा, बकरी को सर्दी खांसी भी नहीं होगा। हम जब भी पिलाते हैं तो दोस्तों मेरे बकरी को सर्दी खांसी नहीं होता है। इधर लगा दिए, भी डाल दिए हैं और बाकी उधर भी डाल दिए, और उस टप और उस टप में चार जगह लगा दिया दोस्तों। थोड़ी देर के अंदर ही आधा घंटा के अंदर बकरी को भी अंदर करेंगे और फिर पिला के फिर बाहर निकाल देंगे और फिर फार्म की सफाई भी कर लेंगे। तो अभी सारी बकरी आ चुकी है फार्म पे, आपको दिख रहा है टोटल बकरी, कुछ उधर है, कुछ उधर है, कुछ उधर है। अब इनको अंदर करते हैं दोस्तों, क्योंकि दलिया भी लगाए हैं और गरम गरम है दोस्तों, इनको पीने के लिए देंगे ताकि सर्दी खांसी ना हो। ठंडा हो जाएगा दोस्तों तो पीने से कोई फायदा नहीं है। गोट गेट खोलते हैं और इसको अंदर करते हैं। तो इधर दलिया पीना स्टार्ट कर दी है बकरी, देखिए वो भी बड़ा वाला, नया वाला ब्रीडर भी दोस्तों पी रहा है, बाकी बरबरी भी पी रही है और सभी बकरी पी गई दोस्तों, एकदम निश्चित है। इधर देखिए, इधर भी बकरी पी रही है, बड़ी वाली नई वाली, और सब बकरी पी जाएगी दोस्तों। जो टप में है सब खाली हो जाएगा, जो टप में था इस बड़े वाले टप में दोस्तों जितना दलिया बच रहा था वो हमने छोटे वाले टप में ट्रांसफर कर दिया दोस्तों, क्योंकि छोटा वाला टप में खत्म हो चुका था। देखिए दोनों टप खाली हो चुका था। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमने फेंक दिया आपकी वीडियो के बनाने के चक्कर में, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। उसमें से ढार को उसमें कर दिया है, थोड़ा सा वो बच रहा है और थोड़ा सा ये बच रहा है दोस्तों, सोच सकते हैं। 65 लीटर टोटल पानी था दोस्तों, उस बल्टी से हमने 3 बार पानी लिया था दोस्तों, 20 लीटर का बल्टी है, सोच सकते हैं 8 लीटर उधर और 5 लीटर वो पानी था लिया था, तो मान के चले 65 लीटर दोस्तों। इतनी सारी बकरी जो भी है 50 के आसपास हो गई हो दोस्तों, 50 के आसपास टोटल बकरी पी चुकी है दोस्तों। अभी मतलब बकरी सब पानी उनी पी ली है, दलिया पी चुकी है। अब दोनों ब्रीडर था दोस्तों, दोनों को हमने बांध दिया, बहुत तंग कर रहा था दोस्तों, एक वहां बांध दिए एक वहां बांध दिए, और सारी बकरी अभी एक साथ ही बैठी हुई दोस्तों, नई वाली पुरानी वाली सब मिक्स है दोस्तों। उतना नहीं लेना है क्योंकि वैक्सीनेटेड बकरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बकरी मंडी का माल नहीं है, ये बीमारी फैलेगा। फार्म कर का फार्म पर का बकरी है दोस्तों, बीमारी नहीं फैलेगा। और दोस्तों अभी घर से फार्म पे आ गए हैं दोस्तों, और बच्चों जो छोटे बकरी का बच्चा था ये 4 है, इनके लिए अभी दूध लेकर आए हैं दोस्तों। इसमें दूध है दोस्तों, देखें ये देखें दूध है, गाय का दूध है दोस्तों। अभी इन बच्चों को पिलाते हैं दोस्तों, क्योंकि इनके माँ के पास दूध है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि जो आदमी था वो उस बकरी को कुछ खिलाया ही नहीं दोस्तों, तो बच्चे मतलब दूध आएगा कहाँ से, अब भूसा पे कभी दूध उतरेगा नहीं बकरी का, वही चीज हो रखा है दोस्तों। बाकी हमारे पास आया है तो भाई हरा चारा मिलेगा, उस चांस है कि उतर जाएगा। अभी इनको कैसे भी तो करके बचाना है दोस्तों, जो भी है थोड़े वीक है तो दूध पिला पिला के मैनेज करते हैं। और दोस्तों 3 बज चुका है और अभी बकरी सबको निकालना है दोस्तों, नई वाली और पुरानी वाली बकरी जितनी भी है सब मिक्स है दोस्तों, सब एक ही जगह में बैठी हुई है, देख सकते हैं कुछ उधर भी है कुछ इसमें भी मिक्स है, प्लस एक में ही है दोस्तों। इनको हम निकालते हैं दोस्तों, और मेरा हालत काम करते करते एकदम, एक मिनट का चैन नहीं है दोस्तों, सो सकते हैं ये आधा घंटा भी सो जाए वो भी नहीं मिल पाता है दोस्तों। अभी सारी बकरियों को निकाल दिए हैं और ज्यादा कोई इससे दिक्कत नहीं आ रहा है दोस्तों, पुरानी और नई बकरी में सेट करने में। तो भाई जितना बकरी हम लाए थे उतना सेट करने में बहुत हालत खराब हो जाता है, 17-18 बकरी एकदम नॉर्मल है दोस्तों, क्योंकि बकरी थोड़ा बहुत चरती थी पहले, आराम से चर ले रही है, सेट है और ऐसा कोई दिक्कत नजदीक का बकरी है तो बर बीमारी भी अभी तक कुछ ऐसा दिक्कत भी नहीं आया। अभी डॉग को भी नदी साइड लेके आ गए हैं और बाकी बकरी भी सब आ गई है दोस्तों, नई वाली भी देख सकते हैं ये उधर से लाए दोस्तों, और बाकी पुरानी वाली बकरी इस साइड चल रही है, इनको ही मिला दिए एक झुंड में ताकि धीरे धीरे सेट हो जाए दोस्तों और फिर झुंड के साथ ही चलना स्टार्ट कर दे। दोस्तों नई वाली बकरी इतना अच्छे से चल रही है ना दोस्तों, क्या कहें, एकदम दिल खुश है दोस्तों, एकदम सब देख सकते हैं, ओ नई है इधर नई है और बाकी इस साइड भी है दोस्तों, वहाँ पे देख सकते हैं सब दम एकदम जो कहा जाता है ना, लग रहा है जैसे हमारे फार्म पे पहले से ये सब बकरी है, सेट है, उस टाइप से है, दिल खुश है दोस्तों। ब्रीडर भी है तो सब बकरी इधर ही चल रही है दोस्तों, इधर झाड़ है बहुत सारा तो इधर ही बकरी चल रही है दोस्तों, चाह के ही। और नई वाली बकरी दोस्तों बहुत अच्छे से चल रही है, एक आध दो बकरी हीट में आई है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है दोस्तों जब बकरी हीट में आती है तब। और जो भी दोस्तों हम कल बकरी लाए थे, मतलब कल लाए थे दोस्तों शाम में, और आज इनका पहला दिन है दोस्तों हमारे फार्म पे और चराई पे, सब बकरी स्वस्थ है, वैसा कोई बकरी में दिक्कत नहीं आया, जो बच्चा फेंकने वाला समस्या था क्योंकि सारी बकरी मेरी प्रेग्नेंट है दोस्तों, नई वाली जितनी बकरी आई है सब प्रेग्नेंट है, 1 महीने के अंदर ही बच्चा देने वाली है, तो ऐसा कोई 1-2 महीने के अंदर ही देगा, ऐसा कोई बच्चा फेंकने वाला अभी तक मेरे पास समस्या नहीं आया है 1 दिनों में, बाकी अभी देखते हैं भगवान का कृपा रहे कि ना आए ज्यादा अच्छा रहे दोस्तों। अभी सारी बकरी अंदर हो गई है दोस्तों, नई वाली पुरानी वाली सब बकरी, और पर्दा भी हमने फार्म का गिरा दिया है, बाकी बल्ब भी चल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं इधर बैठी हुई है दोस्तों बकरी, बरबरी ये सब जो है इनको आप केज में नहीं डाले दोस्तों, थोड़ा खुला एरिया में रहने देंगे ताकि ये थोड़ा अपने को आपको दोस्तों इनको इधर ही बैठने देंगे, कल हमने उस वाले एरिया में रखा था वहां पे, लेकिन वहां नहीं रखेंगे, इनको यहीं पे बैठने देते हैं आराम से। और जो बकरी थोड़ा कमजोर है जो मतलब उनको डाल दिए हैं दोस्तों उसमें, और जो 1-2 बकरी हीट में है उनको भी डाल दिए हैं, ब्रीडर को हमने बांध दिया है, दोनों ब्रीडर वहां पे बंधा हुआ है, और बाकी इनको रहने देते हैं दोस्तों, कल में इसमें जाली भी लग जाएगा जो हमने
यहाँ पे लगाया है, तो पार्टीशन हो जाएगा 10x10 का, दो एरिया बना देंगे, कुछ बकरी इसमें रहेगी और कुछ बकरी इसमें ही, जल्दी कल ये भी कर देंगे। बाकी बकरी हमने काउंट कर लिया है दोस्तों, टोटल बकरी मेरा है यहाँ पे, क्योंकि नहीं नहीं दोस्तों इनको अब बैठने देते हैं और ये वाला वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे दोस्तों। ये फर्स्ट डे का फर्स्ट वीडियो है दोस्तों, पहला दिन जब बकरी मेरे फार्म पे आई है, और सोच सकते हैं 18 बकरी आई दोस्तों, 18 बकरी, और पहले से मेरे पास बकरी थी 27-28, टोटल इतना हम हैंडल अकेले कर रहे हैं दोस्तों। जो भी दिक्कत आएगा दोस्तों हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल वीडियो देखते रहें।